देखिए ऐसा होता है आचार्य जी, अब ये तो लोग सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं किसके पीछे कौन पड़ा है, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा, देखो जैसे ये लोग कह देते हैं कि चैतन्य परिवार में झगड़ा छिड़ गया या गुरुदेव जी का नाम लेकर के ये लोग आपस में तंज कस रहे हैं, तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो इनका आपसी विवाद है अपना घर तक सीमित रखें। बहुत सुंदर। चैतन्य परिवार का नाम न लें। चैतन्य परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव जी ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि एक दूसरे भाई से जलन मानो। कभी नहीं। गुरुदेव जी ने हमेशा सिखाया है जो गायन में आगे रहेगा, जो अध्ययन ज्यादा करेगा, जो उनका अनुसरण करेगा और उनके बताए हुए पथ पर चलता रहेगा, उसे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता। अब हम कहें कि हम उनके पुत्र हैं, हम ही बढ़ेंगे, हम अध्ययन न करें, समय व्यर्थ में व्यतीत करते रहें, और कल हम कहें कि हम उनके पुत्र हैं, हम सबसे आगे जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? जो अध्ययन करेगा और जो उन्हें उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा वही आगे जाएगा आचार्य जी। बिल्कुल। अब उससे जलन मानी जाए कि आगे क्यों बढ़ रहा है, तो ये तो हमारी मूर्खता है। हाँ, कलयुग का महिमा भी है कलयुग की। जी जी। उस आधार पर मैं आचार्य जी ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज के समय में देखो कथावाचक चल रहे हैं, हर एक की कथाएं चलती हैं, ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं चल रही, किसी की कम चल रही, किसी की ज्यादा चल रही है। तो लोगों को अपना माप अपने आप से कर लेना चाहिए, दूसरे को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा माप अपने आप से कर ले। समाज हमें कितना स्वीकार कर रहा है, समाज हमें कितना पसंद कर रहा है, कैसे स्टूडियो में बैठ करके धमकियां देने से, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से कभी समाज स्वीकार नहीं करता है। कभी नहीं। आचार्य जी इससे मान लेना चाहिए कि मेरे कार्यक्रम कितने हुए। सही। इस सीजन में मेरे कार्यक्रम कितने हुए, अगर मेरे कार्यक्रम दो हुए हैं तो समाज हमें कम स्वीकार कर रहा है। महेश भैया के 10 कार्यक्रम हुए हैं तो महेश भैया को समाज ज्यादा स्वीकार कर रहा है, ज्यादा पसंद कर रहा है, अधिक कर रहा है। और इस बात पे कभी जलन भी नहीं करनी चाहिए। जी, कभी नहीं। कहने के कार्यक्रम ज्यादा क्यों चल रहे हैं? अरे कुछ तो उन्होंने परिश्रम किया होगा, कुछ तो उनकी मेहनत होगी तब उनके कार्यक्रम ज्यादा हुए। अब चैलेंज देने के लिए मैं उनका पुत्र हूँ, हर अधिकार उनका मेरे पास में है, क्यों नहीं? उनकी चल अचल संपत्ति का मालिक मैं बना। मैंने तो आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे सामने, मेरे आगे नाम के आगे ये लिख दो, मेरे नाम के पीछे वो लिख दो, क्या मतलब है इससे? लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों एक दूसरे पे तंज कसने में मजा आता है। एक बात जी, अपने से ही पता चलता है। अभी आप कह रहे थे कि अपने से ही पता चल जाता है। जी बिल्कुल। बहुत कीमती बात थी। और अपने से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर खूबियां कितनी हैं। जी जी। और या हमारे अंदर त्रुटियां कितनी हैं। जी। ये हर व्यक्ति को अपने आप पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक चीज और भी सुनी होगी, लेकिन वो रुख एक अलग जाता है। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, अपनी बढ़ाई लिखवाना, ये विद्वानों के काम नहीं है। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई का मतलब उन्हें समाज स्वीकार ही नहीं कर रहा है। इन्हें समाज स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कोई बढ़ाई नहीं कर रहा है तो चलो अपने मुंह से ही कर लो, अपने मुंह से कर लो, इसका तो यही मतलब हो गया बस। अरे आप अगर विद्वान हो तो स्टूडियो में बैठो, नए नए दिशा निर्देश समाज को दो, समाज में तमाम ऐसी कुरीतियां जो फैली हुई है उनके ऊपर बोलो, उनको अलग कराओ। जी, लेकिन उनके ऊपर न बोल करके एक दूसरे पर टीका टप्पणी कर रही है, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हमारी तरफ से तो यही सिद्ध है कि इनको जनता लायक नहीं कर रही है, और तब ये ज्यादा इनके पास समय है तो ये स्टूडियो से ही सहारा लेकर के और ये फेमस होना चाहते हैं, दूसरे के पीछे पड़ना चाहते हैं। देखिए आचार्य जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा जी, जो आज के हमारे कथावाचक हैं जी, जो टीका टिप्पणी करनी है एक दूसरे पे, तो मेरा परिवार और मेरे गुरुदेव के नाम के साथ में खिलवाड़ न करें। जब उनके नाम का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। नहीं। अगर आप लोगों को यही करना है तो मर्जी आए, उस स्टूडियो में बैठो
और स्टूडियो में बैठ करके एक दूसरे को जी आए उतनी गाली दो, लेकिन मेरे चैतन्य परिवार के बीच विषय में ये लोग न बोले तो अत्युत्तम है। मेरा निवेदन भी है और मेरा कहना भी है कि चैतन्य परिवार का नाम लेकर के विवाद न करें। चैतन्य परिवार में न विवाद कभी था और ना ही कभी होगा, इस बात के लिए हम बैठे हुए हैं। अगर किसी की कोई बात होती है, एक दूसरे भाई में कोई मतभेद भी होता है, तो हमारे जितने भाई हैं वो हमसे एक बार फोन कर लेते हैं, आपस में बैठ करके हम उसका समझौता कर लेते हैं, कभी हमें किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग चैतन्य परिवार में थे ही नहीं जी, अब नाम लेने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मेरी वाणी मेरा चैनल सस्वात है। जो कहना चाहूंगा वो कहूंगा और जो लिखवाना चाहूंगा लिख जाएगा। सरकारी नौकरी करने के लिए आचार्य जी डिग्री दिखानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये कथावाचकी लाइन ऐसी हो गई है स्वामी आधार चैतन्य जी और परम सद्धे गुरुदेव शास्त्री सुरजन चैतन्य जी और चाचा श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, स्वामी जी ने इतनी इस भाषा को सरल कर दिया है कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी पूरी कथाएं पूरी भागवत यूट्यूब के माध्यम से हर आदमी सुन रहा है, उसे याद करो और जहां चाहो वहां बैठ कर कथा करो, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, डिग्री की आवश्यकता ही नहीं और ना कोई डिग्री देखने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अपना विवाद है वो अपने आप तक सीमित रखें, मेरे घर के विषय में, मेरे परिवार के विषय में और गुरुदेव के शिष्यों के विषय में कभी कोई बात न करें तो अति उत्तम रहेगा। मेरा भी यही कहना है जी कि जितने ये वक्तागढ़ हैं भाई जी जी, छोटे बड़े, जो अपनी अपनी मन से और मनचाही जैसी किल्पे निकाल रहे हैं जी जी, और एक चेतन परिवार पर जो छींटा आ रहे हैं जी जी, तो मैं भी इनसे ये विद्रुकष्ट ये निवेदन करना चाहता हूँ जी जी कि ये एक बार की निवेदन मेरी भी स्वीकार कर लें, क्योंकि मुझे भी दुख होता है। आचार्य जी देखिए, अभी चार हमारे गुरु भाई तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या ये लोग गाना नहीं जानते हैं? क्यों नहीं है? लोग चैलेंज कर देते हैं क्या ये गाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सीखा नहीं है, हमारे गुरुदेव ने हमारे पिताश्री ने हमें ये सिखाया नहीं है कि कोई आदमी समाज में गलती कर रहा है उस गलती को हम दोहराएं। अगर आप बाजार में निकलते हैं, आप बाजार में निकलते हैं और कोई पागल आदमी आकर के आप में ईंट मार दे, तो आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आप उठा करके ईंट पागल में मार दें, ये कर्तव्य नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो तो पागल है, आप तो समझदार हो, समाज आपको दोष देगा न कि उस पागल को, समाज ये कहेगा कि वो तो पागल था आप तो सही थे, आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे टीका टप्पणी हम नहीं किसी के विषय में करना चाहते हैं, और मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है कि मेरे गुरुदेव के अगर नाम से को आप सम्मानित न कर सके तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपमानित भी उन्हें न करें। उस दिवंगत आत्मा को जी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितनी दे सकें, जितनी दे सकें जी, उतनी जी, एक आत्मा से श्रद्धांजलि दे सकें जी, बिल्कुल, जो कि हमारी दिवंगत आत्मा को देवों के अंदर बैठने के लिए ठौर मिले, जगह मिले। लेकिन हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता है कि हम अपने थोड़े से मतलब स्वार्थ के लिए और अपनी उस दिवंगत आत्मा का अपमान करें जी जी। तो इसका मतलब यही उतर करके आता है कि जो हमारे महाराज जी का, सम्राट जी का नाम लेकर के जी, असम्मान सूचक नाम लेकर के, जिन्हें नाम श्रद्धा से नहीं लेना आ रहा है जी जी, और वो अपना घसल पसल कर रहे हैं, तो उन दोस्तों को मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपना सुधार कर लो, और हम ये नहीं कह रहे तुम कैसेट मत भरो, तुम कैसेट खूब भरो जी, बिल्कुल भरो, लेकिन कोई नई चीज पढ़ो, समाज में उसे भेजो और यानी अपनी कला दिखाओ। सर जी जैसे वो कहावत है कि जहाँ खाते हैं वहाँ छेद नहीं करते हैं, थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। आज के समय में कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ है आचार्य जी कि लोग उन्हें ही तो गा रहे हैं,
उन्हीं की गाई हुई चीज को गा रहे हैं, जहां वो खास है वहीं खास रहे हैं और लेकिन उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। ये जो आज समाज में छींटा कसी चल रही है उनके नाम को लेकर जो छींटा कसी चल रही है, क्या ये लोग उनका सम्मान कर रहे हैं? क्या ये समाज में उनके नाम को सम्मानित कर रहे हैं? ये अपमानित कर रहे हैं उनके नाम को, अपमान कर रहे हैं। तो जब सम्मान नहीं करना जानते हो तो अपमानित करना कौन, किसने कह दिया है? इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके विषय में बात न किया करें। अपना झगड़ा करना है जिया उतना करें, स्टूडियो के माध्यम से करें चाहे आमने सामने करें, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनका नाम न लें और उनके विषय में कोई टीका टिप्पणी न करें, क्योंकि इन लोगों के ऐसे जवाब गुरुदेव के शिष्यों में से कोई नहीं देने वाला है। ये चिल्लाएं चिल्लाते रहें, अभी कम चिल्ला रहे कल और ज्यादा चिल्ला, लेकिन फिर भी गुरुदेव के शिष्य कोई भी इन्हें जवाब नहीं देंगे, उनको वक्त ही नहीं है इतना, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य अपने अपने में सब व्यस्त हैं और अपने अपने में अच्छे गुरुदेव की कृपा से अच्छे से कमा खा रहे हैं, समाज सब उन्हें स्वीकार किए हुए हैं, समाज का उन्हें प्यार मिल रहा है, समाज के द्वारा उन्हें सम्मान मिल रहा है, और जिसे समाज का प्यार मिल जाता है उसे और किसी के प्यार की जरूरत नहीं रहती है। देखो विवेक चैतन्य जी, जी एक विद्वान का मत है जी जी कि राजा जी और विद्वान में जी जी यानी सम बराबर तुलना कभी नहीं हो सकती। नृपत्तम च विद्वत्तम जी चनैव तुल्यम कदाचनम, यानी कभी नहीं, कदाचनम का अर्थ है कभी नहीं, तुल्यम माने तुलना, क्योंकि स्वदेशे पूजते राजा, जी जी राजा की पूजा कहाँ होती है? जितने बीच में उसका राज शासन है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते विद्वान जहां जाएगा वहां उसकी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य महाराज जी हमारे रिश्ते में नाना जी लगते थे जी, जिस तौर से आप आज मामा जी हैं हमारे, हम वो रिश्ते की बात न करके उस दिवंगत आत्मा की बात कर रहे हैं जी जी, कि उन जैसा शायद है अब तक न तो हुआ जी, और मेरा अनुमान है कि उन जैसे कंठ और उन जैसे तौर से गाने वाला जी जी आगे सदियों में हो भी नहीं पाएगा। वो जब गाते थे तो ये मालूम पड़ता था कि स्वयं दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं जी जी, और जिस वक्त वो करुणरस देते थे तो ऐसा कोई कठोर व्यक्ति नहीं होता था जिसका कलेजा हिल नहीं जाता था, आंखों से आंसू बह नहीं जाते थे जी जी। तो मैंने तो बहुत संगति की है उनके साथ, बहुत रहा हूँ, और जैसा मुझसे आदेश मिला है तो मैंने उनके लिए अपना मेहनत भी की है जी जी, लेकिन बस इतना ही है कि ये सुन करके मुझे भी बहुत बड़ा दुख हो रहा था। तो परसों भी हमारी आपकी बात हुई, आज भी बात हुई, फिर अजय ने जब फोन किया कि आप एटर रुक जाओ भी आ रहे हैं वो जी, तो मैं अब अंतिम बात ये कहने जा रहा हूँ और आप भी अपनी अंतिम बात कहो जी जी। मैं अंतिम बात यही कहूँगा कि जो शास्त्रीगण इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं और जो उनके पीछे कमेंट लिख रहे हैं जी कि बहुत अच्छे बहुत सुंदर, ये कमेंट लिखने वाले भाई भी अपना सुधार कर लें कि इस तरह से कमेंट न लिखें, बढ़ावा न दें, और ये जो गाकर क्लिप भर रहे हैं डाल रहे हैं जी जी कि हम मैदान में उतर करके आ गए, जरा ये थोड़ा ये देख लें कि अपना आकार कितना है, अपनी परछाई को देख लें कि हमारा आकार कितना है जी जी जी। इस तरीके से इनको झांकर में उलझन में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से ये चलेंगे तो जनता लायक करेगी जी जी, और भ्रष्टाचार से नहीं चलेंगे, संस्कार इनके अंदर अगर अपने सदगुरु के भरे हुए नहीं है, अगर ये सदगुरु के भरे हुए संस्कार होते तो शिष्य तो और भी हैं, तो वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। वो आचार्य जी मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर इन्होंने गुरु जी की संगति की होती, गुरुदेव की संगति की होती, तो पहली बात मुझे मालूम होता है कि रहे कब है साथ में, सबसे ज्यादा मालूम होता। फिर चलो संगति नहीं की है, आपने उन्हें कैसेट के माध्यम से सीखा, कैसे भी सीखा, चलो उन्हें गुरु माना, एकलव्य ने भी गुरु माना था द्रोणाचार्य जी को, क्यों नहीं, लेकिन सम्मान के प्रति, गुरुदेव के सम्मान के प्रति अपना अंगूठा दान कर दिया था, काट के दान कर दिया था,
वो शिष्य थे एकलव्य, और ये चाह रहे हैं कि उनकी विरासत को हमें कैसे भी छीन के मिल जाए, उनके नाम की पदवी हमें छीन के मिल जाए। जबरदस्ती वाले हैं ये जबरदस्ती वाले शिष्य हैं, जबकि उत्तराधिकारी उनके मौजूद हैं। और एक ही निवेदन करना चाहूंगा मैं लोगों से कि कुल मिला के आप लोग उनका सम्मान तो कर नहीं पाएंगे, तो अपमान भी न करें तो अति उत्तम रहेगा। जी जी, क्योंकि जब सम्मान नहीं करना जानते हो तो अपमान भी करने का अधिकार नहीं होता है। हम किसी के ऊपर दया नहीं दिखा सकते हैं तो क्रोध भी दिखाने का हमारा अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी हैं अपना, जो अगर आपस का कोई झगड़ा है तो आप नित्य ही लड़ें, मैदान में आए चाहे छत पर चढ़ के लड़ें, कुछ भी करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के हमारे परिवार के विषय में बात ना करें। आपने कभी ये सुना कि मैंने अपने नाम के आगे कभी श्रोमणी लिखवाया? आज तक नहीं, केवल उतना ही लिखवाता हूँ कि आचार्य जी एक बात में बताना, फिर बताना चाहूंगा, आप परिश्रम करते रहो, ये समाज पद भी स्वयं दे देगा। स्वामी आधार चेतन जी हुए हैं हमारे बाबा गुरु, उन्होंने कभी अपने आप को कथा सम्राट नहीं कहा है, कभी नहीं। हमारे पूजनीय पिताश्री हुए, उन्होंने अपने आप को वाला सम्राट नहीं कहा, समाज ने उन्हें पदवी दी। और चाचा श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को स्वर सम्राट, उन्होंने अपने आप को नहीं बताया है, इस समाज ने स्वर सम्राट उन्हें बताया, समाज ने पदवी दी। लेकिन आज के समय में लोग अपने आप पदवी छीनना चाहते हैं। चलो इन्हीं बातों के साथ हमारा आपका आज का मिलन अब विसर्जन की ओर जा रहा है। जी जी, समय भी काफी हो रहा है और समय भी बहुत हो चुका, तो मैं सबसे बाद में बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि भाइयों, ये जो गलती आप कर रहे हो इन गलतियों को अब न करें, विराम लगा दें, अपनी योग्यता दिखाएं, योग्यता से भरें, समाज में योग्यता दें, और एक दूसरे यानी सुरजन चैतन के परिवार को आप ये कहते हैं कि सुरजन चैतन, सुरजन चैतन, जब तुम नाम लेना नहीं जानते हो, आदरणीय परम श्रद्धेय सुरजन चैतन जी, इतना कहने में तुम्हारी जीभ मुरक रही है या रुक रही है, तो जब तुम्हें भाषा का ज्ञान नहीं है तो अपनी पहले भाषा का ज्ञान करें और उसके बाद तब आगे के लिए अपनी गायन विद्या करें। और ये बाकी जो राह बचा है वो विवेक जी ने आपसे बोल ही दिया है, हमें आइंदा के लिए ऐसी क्लिपें सुनने को न मिलें। जय हिंद, जय भारत।